सोलन के आयुर्वेदिक अस्पताल का विवादों से चोली दामन का साथ है, जहां यहां पर चिकित्सकों व स्टाफ में तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं, तो इन दिनों यहां पर बीते 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिससे मरीज परेशान है। वहीं स्पेशल वार्ड में मरीजों का आरोप है कि वह पैसे लेकर अस्पताल के कमरों में रह रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से पानी नहीं मिल रहा है। मरीजों ने बताया कि उन्हें पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, पैसे देने के बावजूद भी पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने समस्या का निपटारा करने का आश्वासन दिया। पंचकर्मा करवा रही हूँ, स्पेशल वार्ड लिया हुआ है मैंने, लेकिन हम 3 दिन से तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। स्पेशल वार्ड में बिल्कुल पानी नहीं है, बूंद भी पानी की नहीं है, और हम बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी जो है वो हमें वॉशरूम जाना है, कुछ जरूरत है, तो जनरल वार्ड में एक जगह पानी आ रहा है, वहाँ से हम पानी ला के फिर गुजारा कर रहे हैं। अब हमारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, पंचकर्मा करके आते हैं, पानी की आवश्यकता पड़ती है, कहाँ मिल रहा है पानी, भी है ही नहीं पानी बिल्कुल भी। और यहाँ कहाँ पे एडमिट है आप और किसकी गलती है? मैं स्पेशल वार्ड में 109 नंबर रूम में एडमिट हूँ, और पानी के लिए परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। कौन सा हॉस्पिटल है ये? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जी। तो गलती किसकी मान रहे हैं आप इसको, क्या किसकी लग रही है आपको? अब ये यहाँ से जी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रही हैं बार बार, हम इनके पास आ रहे हैं क्योंकि हम तो यहीं तक आ सकते हैं, हमारी पहुँच यहीं तक है अभी, वहाँ से रूम से उठ के आते हैं तो सिस्टर को बोल रहे हैं, ये भी फ़ोन कर रहे हैं, इधर उधर तो फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पानी आ ही नहीं रहा है। इस बारे में स्पष्टीकरण के लिए कोई भी जिम्मेवार अधिकारी अस्पताल में नहीं मिला। निश्चित तौर पर अस्पताल जैसी जगह पर 3 दिन से पानी ना आना कहीं न कहीं अस्पताल की लचर कार्य प्रणाली को दर्शाता है। यदि जल शक्ति विभाग की भी कमी है तो अस्पताल प्रबंधन का जिम्मा बनता है कि वह उसे तुरंत ठीक करवाए। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।